दोस्तों, सिम्बायसिस स्नैप का एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट रिलीज कर रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ये मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा हम लोग ये भी समझेंगे कि कैट के साथ में स्नैप की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्योंकि कैट के बाद में आपके पास ऑलमोस्ट 15 दिन का समय बच जाता है स्नैप की प्रिपरेशन के लिए। तो अभी से क्या आपको स्नैप के लिए टाइम स्पेंड करना चाहिए, या फिर अभी कुछ थोड़ा सा समय स्पेंड करना चाहिए और उस पर क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आप कैट के साथ में स्नैप एग्जाम को लिख रहे हो, तो ये वीडियो आपको आखिरी तक ज़रूर से देखना है और उसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो अभी मैं आपको स्नैप की वेबसाइट पे दिखा देता हूँ कि कैसे आपको ये मॉक टेस्ट लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, स्नैप मॉक टेस्ट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 17th and 18th of October। सो ये सिम्बायसिस खुद ये मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। हालांकि ऑब्जेक्टिव इसका बहुत ही क्लियर है कि वैसे तो स्नैप का लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कुछ नवंबर में है, बट वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी स्नैप के लिए रजिस्टर कर ले। तो इन्होंने ये मॉक टेस्ट सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल किया है। मतलब आपने अगर स्नैप का फॉर्म भर दिया है, पेमेंट कर दिया है, तभी आप ये मॉक टेस्ट ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा मॉक टेस्ट होगा। बाय द वे, ये मॉक टेस्ट आपको अपने घर से ही लेना है, और उसके लिए कैसे स्लॉट वगैरह बुक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में हम समझते हैं कि स्नैप के लिए अभी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो यस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑफिशियल मॉक स्नैप टेस्ट। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे उन्होंने सारी डिटेल प्रोवाइड करी है अबाउट दिस मॉक टेस्ट। तो ये मॉक टेस्ट लेने के लिए आपको 12th अक्टूबर से पहले आपको स्नैप के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है? हालांकि स्नैप की रजिस्ट्रेशन डेट जैसा मैंने कहा कि नवंबर में, तो अगर आप ये मॉक टेस्ट इग्नोर करना चाहते हो, तो आप बाद में भी स्नैप के लिए रजिस्टर कर सकते हो। द मॉक टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन फ्रॉम 17th अक्टूबर टू 18th अक्टूबर, मतलब 2 दिन वो कंडक्ट करने वाले हैं। हालांकि ये घर से ही आप ले सकते हो मॉक टेस्ट। उसमें कुछ उन्होंने अलग अलग स्लॉट्स रखे हैं, तो ये स्लॉट्स आपको जब भी कोई स्लॉट बुक करना है, तो आपको उसी दिन सुबह ही स्लॉट बुक करना है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको 2-4 दिन पहले या अभी से स्लॉट बुक करना है। जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा है, स्लॉट बुकिंग फॉर द मॉक टेस्ट विल बी ओपन फ्रॉम 17th अक्टूबर टिल 18th अक्टूबर, मतलब स्लॉट बुकिंग उसी दिन शुरू होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 17th अक्टूबर को दोपहर में 12 बजे मॉक टेस्ट लेना है, तो आप उसके 1 घंटे पहले 11 बजे आप उसका स्लॉट बुक कर लोगे उधर लॉग इन करके। तो आपको अपना स्नैप का आईडी एंड पासवर्ड ही यूज़ करना है लॉगिन करने के लिए। अब ये उन्होंने यहाँ पे नहीं बताया कि मॉक टेस्ट के लिए लॉगिन लिंक क्या रहेगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 16th अक्टूबर को यहाँ पे आपको स्नैप मॉक टेस्ट लॉगिन करके कुछ दिखेगा, या फिर आप एग्जिस्टिंग यूज़र के लॉगिन से भी उधर जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो रिलीज करूंगा जैसे ही वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते। अब ये जो मॉक टेस्ट है, वो एक्चुअल स्नैप का रेप्लिका रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से इससे आपको एक काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। वैसे तो आप लोग काफ़ी सारे दूसरे मॉक ले ही रहे होंगे, लेकिन आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि अपकमिंग स्नैप का मॉक टेस्ट कैसे होगा। हालांकि आप ये बिल्कुल जज नहीं कर सकते कि जैसा इस मॉक का लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, स्लॉट 1 या स्लॉट 3 का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या उसके एग्जैक्टली जैसा रहेगा, या उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा, ये हम नहीं बता सकते। वो तो आप जब एग्ज़ाम लिखोगे तभी पता चलेगा। तो बिल्कुल स्नैप के पेपर पैटर्न के हिसाब से ये रहेगा। और उसके अलावा इन्होंने कुछ यहाँ पे प्राइजेस भी रखे हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। तो देखो, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका टारगेट है कि भाई मुझे ब्लैकी में जाना है, FMS, SPGen या ऐसे ही कुछ कॉलेज में जाना है, मे बी IITs एंड ऑल। बट जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनको श्योर नहीं है कि यार मेरा कैट में बहुत अच्छा स्कोर आएगा, मुझे कुछ बैकअप ऑप्शन रखना है, तो डेफिनेटली जो सिम्बायसिस है उसका SIBM, SCM, HRD काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। एवरेज पैकेज मोर देन 20 लाख है, तो आप स्नैप एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। और अगर आप स्नैप आप डिसाइड करते हो कि मुझे स्नैप एग्जाम भी लिखना है, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि कैट खत्म हो गया फिर उसके बाद में आप स्नैप का सोचो। अभी सिर्फ फॉर्म भर के रखा, आपको अभी से ही थोड़ा थोड़ा स्नैप जैसे एग्जाम के लिए सोचना पड़ेगा। जैट के लिए अभी से आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ GK के लिए थोड़ा रीडिंग करते रहना, बट स्नैप क्योंकि जैट के लिए आपको ज़्यादा समय मिल जाएगा। लेकिन स्नैप के लिए उसका जो फर्स्ट स्लॉट है वो कैट के विदिन 14 डेज आ जाता है। तो आपको अभी क्या करना चाहिए, सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लिखना है। तो आपने जो भी टेस्ट सीरीज अवेल करी है, आपको क्या करना है कि महीने में आपको 1 या 2 मॉक टेस्ट स्नैप के लिख देना है, क्योंकि 1 ही घंटे का है, तो आप डेफिनेटली 1 मंथ में 2 मॉक टेस्ट लिख सकते हो। तो उससे आपको फेयर आइडिया आ जाएगा, और मॉक टेस्ट लिखने के बाद में डेफिनेटली आपको उसको एनालाइज करना है। तो जब आप एनालाइज करोगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग या सिलॉजिज्म या डिडक्टिव रीजनिंग या ग्रामर वोकेबलरी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं क्या होता है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको मॉक टेस्ट खाली स्नैप के लेने चाहिए, उसके कोई अलग से क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई LR का आप कोई RS अग्रवाल का वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग करके एक बुक आता है, काफ़ी डिटेल बुक है,
तो उससे आपको सॉल्व करने बैठना नहीं है, अगर आपका टारगेट आपका फोकस पहले कैट एग्जाम पे है तो। बट साथ में आप थोड़ा समय एक यू नो 15 डेज में स्नैप के लिए स्पेंड कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड विथ योर स्नैप प्रिपरेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इसके अलावा आपके कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर से रख देना, मैं उधर आपको रिप्लाई करूंगा। उसके अलावा जो मैं मेरे फ्री वीडियोस होते हैं आप उसको भी अटेंड कर सकते हो। जैसे मैंने बिगिनर्स बैच कंडक्ट किया था, आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे उसको। फिर उसके बाद में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कौन की सीरीज रिलीज़ करी है, LRDI के मैं रेगुलर DP पे रिलीज़ करता हूँ, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। आने वाले दिनों में भी मेरे काफ़ी सारे फ्री सेशंस आने वाले, तो उससे आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हो। दैट्स इट गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।